अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जी तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की नई जॉब की अपडेट की जानिब, जो कि पाक आर्मी एम्यूनिशंस डिपोट मेलियर कैंट कराची जॉब्स 2023। और भी आगे हम इनकी फर्दर डिटेल्स की जानिब बढ़ते हैं। तो इनकी जो पब्लिश डेट है वो 29 जनवरी 2023 है। ऑर्गेनाइजेशन नेम एम्यूनिशंस डिपोट, एंड जी जॉब टाइप जो है वो गवर्नमेंट जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 7 है। एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट जी फुल टाइम जॉब है। एजुकेशन इसमें प्राइमरी मैट्रिक होनी चाहिए आपकी। एंड जी आगे है इनका जॉब्स केपी की कराची। एंड जी जॉब्स लोकेशन जो है, जॉब लोकेशन सिंध पाकिस्तान। एंड लास्ट डेट जो अप्लाई की है वो 13 फरवरी 2023 है। एंड जी आगे है फर्दर इनकी, तो ये इनकी जो वैकेंसीज कौन कौन सी हैं वो भी आपको बताती चलूँ। तो इनकी जो पहली वैकेंसी है वो गेट कीपर की है। इसमें मैट्रिक डिपार्टमेंटल इम्तिहान पास करना ज़रूरी है किसी भी अदारे से। 6 माह का कंप्यूटर कोर्स। आर्मी से रिटायर्ड अफराद को तरजीह ज़्यादा दी जाएगी। के पी के एंड असामी की तदाद 1। सिविल ऑपरेटर कम लाइन में। इसमें मैट्रिक शोबा मुतलका शोबे में 6 माह का तजर्बा। डिपार्टमेंटल इम्तहान जो है वो पास करना लाजमी है। कंप्यूटर का बुनियादी इल्म जानता हूँ मेरिट पे। और जी मेंटल वर्कर जी है इसमें, इसमें जी प्राइमरी होनी चाहिए। डिपार्टमेंटल इम्तहान पास करना आपका बहुत ज़रूरी है। एंड जी मुतलका शोबे में 2 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है, किसी भी अदारे से सर्टिफिकेट का हामिल हो। और जी मुकामी है ये कारपेंटर, इसमें प्राइमरी होना चाहिए। मुतलका शोबे में 2 साल का तजर्बा। डिपार्टमेंटल इम्तहान पास करना ज़रूरी है, किसी भी अदारे से सर्टिफिकेट के हामिल। एंड सर्चर, इसमें प्राइमरी डिपार्टमेंटल इम्तहान करना पास करना लाजमी है। मुतलका सिक्योरिटी फील्ड में तजर्बे के हामिल को अफराद को तरजीह दी जाएगी। एंड USM प्राइमरी डिपार्टमेंटल इम्तहान पास करना ज़रूरी है। और ये आगे सैनिटरी वर्कर, इसमें प्राइमरी आपका होना चाहिए। डिपार्टमेंटल इसमें भी इम्तहान पास करना ज़रूरी है मुकामी। और जी आगे है इनकी, इनकी जो ये थी इनकी पोस्ट, उम्मीद आपको सही लगी होंगी। और ये आगे जो आपने बैंक में जो इनकी फ़ी जमा करानी है वो 200 पर फर्द है जी। तो आप जब अपनी एप्लीकेशन जमा कराएंगे तो साथ में आपको ये 200 भी पे करना पड़ेगा। और एज लिमिट जो है 18 से 30 साल होनी चाहिए जी। तो दोस्तों, मुझे इजाज़त मिलेंगी आपके साथ अगली वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।